Welcome everyone. In this video, we will discuss about GK questions based on defense forces, and this is part 2. देखिए part 1 में हमने total 20 MCQs basically questions को discuss किया था. आज हम next 20 को discuss करेंगे defense forces से जो related हमारे GK questions हैं उनको हम discuss करने जा रहे हैं. तो देखिए हमारा जो आज का पहला question इस part का वो है person who became the first Indian, पहले Indian जो सरकम नेविगेट कर पाए पूरे ग्लोब को सोलो अकेले और नॉन स्टॉप लगातार सेल बोट पर सिर्फ. ठीक है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ था इसके अंदर. तो कौन से वो पर्सन थे इंडियन, ये बेसिकली इंडियन थे वो. ठीक है, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोनी. सो ये याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोनी जी ये पहले पर्सन थे इंडियन है जो सरकम नेविगेट कर पाए पूरे ग्लोब में अकेले नॉन स्टॉप लगातार. किस पर भाई, किस पर ये जा पाए लगातार? इट वॉज ऑन द सेल बोट. ठीक है, किस पर थे ये? सेल बोट पर थे. तो आपको इतना याद रखना है ये, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोनी. चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु इज नोन एज द स्पैरो. तो देखिए स्पैरो किसको बोला जाता है, किनका नाम है निकनेम, ये है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का. ओके, तो स्पैरो जो है किसका नाम है, ये जो स्पैरो जो निकनेम है वो है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का. और राजेंद्र सिंह की बात करें, महावीर चक्र विजेता है. ओके, महावीर चक्र ये विजेता है. और इनका इनके जो बैटल्स थे वो थे वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू प्लस इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 एंड 1965, ये लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं. ओके, महावीर चक्र ये विजेता है. सो इनका जो निकनेम है वो क्या है, स्पैरो. आगे देखते हैं, हु इज नोन एज द जवान. तो देखिए जवान जो ये टर्म है किसके लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है इंडियन सोल्जर्स के लिए. ठीक है, इंडियन सोल्जर को जवान बोला जाता है. अगर दुनिया में कोई भी ये वर्ड जवान यूज करता है तो यानी वो इंडियन सोल्जर को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा आप अगर डिफेंस की बात करें उस मामले में. नेक्स्ट इज हु इज नोन एज पुलू. तो पुलू किसको बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं फ्रेंच सोल्जर को. देखिए जैसा आपने अभी देखा था कि जवान हम किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं इंडियन सोल्जर को, तैसे ही पुलू किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं फ्रेंच सोल्जर्स को. ठीक है, किसी पर्टिकुलर फ्रेंच सोल्जर को पुलू बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, आप अभी याद कर लेंगे इसको इजीली. चलिए आगे देखते हैं, हु इज नोन एज जीआई. तो देखिए जीआई जो है किसको बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. ये है अमेरिकन सोल्जर को बोला जाता है, जीआई अमेरिकन सोल्जर को बोला जाता है. ठीक है, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो जीआई किसके लिए स्टैंड होता है, ये है गैल्वेनाइज्ड, ये ग्राउंड इन्फेंट्री जैसे इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं, इनको इंडिकेट करते हैं. ओके, देखिए जब से वर्ल्ड वॉर टू हुआ है उसके बाद से खुद को जीआई रेफर करते हैं. ये बेसिकली जो ये जीआई वर्ड है ये यूएस सोल्जर्स के लिए वर्ल्ड वॉर टू से स्टार्ट हो रखा है ये टर्म. ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ये जो जीआई टर्म है वर्ल्ड वॉर टू से काफी पुराना टर्म है. किसके लिए, अमेरिकन सोल्जर्स के लिए. देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी इज ऑर्गेनाइज इंटू हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड. देखिए हमारी कितनी ऑपरेशनल कमांड्स हैं इंडियन आर्मी की, ऑपरेशनल कमांड्स ये हैं सिक्स. कितनी भाई, सिक्स हमारी ये कमांड्स हैं. ओके, तो जो हमारी ये सिक्स ऑपरेशनल कमांड्स, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम. तो देखिए जो हमारी ये सिक्स ऑपरेशनल कमांड है, यहाँ पर नॉर्थ कमांड एक हो जाते हैं हमारी नॉर्थ में. ठीक है, और इसके बाद हमारी एक वेस्ट में हो जाएगी, वेस्ट वेस्टर्न कमांड जिसको हम बोलेंगे. ठीक है, वेस्टर्न साइड पे एक हो जाएगी, नॉर्दर्न साइड पे एक सेंट्रल कमांड हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल कमांड हो जाएगी. एक हमारे पास होती है ईस्टर्न कमांड, यहाँ पर हमारे पास ईस्टर्न कमांड हो जाएगी. इनके नाम अभी हम पढ़ने वाले एक एक करके. और एक हो जाएगी हमारे पास सदर्न कमांड. तो देखिए ये तो पाँच हो गई. एक हमारी ट्रेनिंग कमांड हो जाती है. तो ये हमारी सिक्स ऑपरेशनल कमांड्स है इंडियन आर्मी की. अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न कमांड के, जो इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड थी जो उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है. ठीक है, उसका हेडक्वार्टर भाई चंडीगढ़ में. कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, चंडीगढ़ में लोकेटेड है. सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज सिक्स कमांड्स आपको एक एक करके याद करनी है और इजिली आपको पता होना चाहिए कि भी इंडियन आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, चंडीगढ़ में. अगला क्वेश्चन है आर्मी की ईस्टर्न कमांड कहाँ पर लोकेटेड है. देखिए ईस्टर्न साइड पर जो कमांड है, वेस्टर्न हमने पढ़ लिया, ईस्टर्न हम पढ़ने जा रहे हैं, ईस्टर्न कमांड है वो है कलकत्ता में. तो वेस्टर्न कहाँ पर है भाई, चंडीगढ़ में. ओके, और ईस्टर्न कहाँ पर है भाई, ये हमारी कलकत्ता में.
ये बात ध्यान रखिएगा आप, दोनों में इजीली याद हो जाएगा भी आपको, डायरेक्शन के हिसाब से याद करेंगे तो आप ठीक है, कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है नर्दन कमांड इज लोकेटेड एट, देखिए जो हमारी जो आर्मी की नर्दन कमांड है ठीक है वो कहां पर लोकेटेड है। ओके जो इंडियन आर्मी की नर्दन कमांड है वो बेसिकली लोकेटेड है 56 एपीओ पर, यानी अगर हम बात करें तो हमारी जो नर्दन कमांड है वो कहां पर लोकेटेड है, देखिए ये उधमपुर में लोकेटेड है, वैसे तो उधमपुर में इसका हेडक्वार्टर है लेकिन इसका नाम क्या बोल रहे हैं पर 56 एपीओ ये बोल रहे हैं। ओके ये बात याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सदर्न कमांड जो हमारी इंडियन आर्मी की वो कहां पर है, ये पुणे में महाराष्ट्र में, तो पुणे में देखिए हमने अभी नॉर्थ पढ़ लिया, साउथ भी हो गया हमारा, वेस्ट भी हो गया और ईस्ट भी हमारा हो गया, तो हमने चार कमांड्स तो अभी तक देख ली है, तो पुणे में ये लोकेटेड है। महाराष्ट्र में पुणे कहां पर है भाई, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल कमांड, जो सेंट्रल कमांड है आर्मी की वो कहां पर है, लखनऊ, लखनऊ यूपी के अंदर है। तो देखिए अभी हमारा जो पांच कमांड्स का ये हो चुका है कंप्लीट, नॉर्थ उधमपुर, साउथ इज पुणे, वेस्ट इज चंडीगढ़, ईस्ट इज कलकत्ता एंड सेंट्रल कमांड इज लखनऊ। अभी हमारी एक कमांड बचती है, दैट इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड। देखिए आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो कमांड कहां पर लोकेटेड है, वो है शिमला में लोकेटेड। ओके कहां पर लोकेटेड है, ये शिमला में लोकेटेड है आर्मी की जो ट्रेनिंग है। तो इस प्रकार से हमारी ये सिक्स कमांड्स हमने एक एक करके डिस्कस कर ली है ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, ये जो हमारी सिक्स कमांड्स है इनके बारे में हमने अच्छे से किया है कंप्लीट। ओके सो आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट इज अबाउट साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी, यहां पर हमारी एक कमांड और है ये जो सिक्स में से, दैट इज साउथ वेस्टर्न ठीक है। तो हमारी यहां पर एक साउथ वेस्टर्न कमांड है, यहां पर इस डायरेक्शन में दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्टर्न कमांड। तो ये कहां पर है, जयपुर में लोकेटेड है, तो हमारा एक कमांड और है यहां पर साउथ वेस्टर्न कमांड जो है जयपुर के अंदर, प्लस एक ट्रेनिंग हो जाएगा तो टोटल सेवन यहां पर हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसको, एनडीए। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनडीए जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस अकेडमी ठीक है। क्या फुल फॉर्म है भाई एनडीए का, नेशनल डिफेंस अकेडमी। कहां पर ये लोकेटेड है भाई, ये लोकेटेड है खड़गवासला में, कहां पर लोकेटेड है खड़गवासला, और खड़गवासला कहां पर है, ये पुणे में है ठीक है। पुणे में आपने देखा था कि हमारी जो साउथ की कमांड थी आर्मी की वो भी लोकेटेड है यहाँ पर, और यहाँ पर खड़गवासला में एनडीए का जो है सेंटर भी है। ओके तो आप इसमें इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, अटैच करके उस चीज से आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके यहाँ पर कोई ज्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। सो देखिए ये अभी तक हमने जो 13-14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी तक हमने इसके अंदर जो मेन मेन बातें डिस्कस की हैं वो है आर्मी से रिलेटेड जो इसकी कमांड्स हैं वो हमने अभी तक देख ली। अभी हम चलते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे 34 जो हमारा क्वेश्चन है ये कुछ इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहा है आर्मी के, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आर्मी के कुछ इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, स्कूल्स, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके तो इसमें आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस कॉलेज, देखिए नेशनल डिफेंस एक एकेडमी, तो एकेडमी तो कहां पर लोकेटेड है भाई, ये लोकेटेड थी खड़गवासला पुणे में। अभी बात आती है नेशनल डिफेंस कॉलेज, तो ये कहां पर लोकेटेड है भाई, ये है न्यू दिल्ली में। तो कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पर है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ओके इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। तो एनडीए और एनडीसी दोनों में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे अभी, ओके इजीली आपको पता लग जाएगा यहां पर। आगे देखते हैं, देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये एक और इंस्टीट्यूशन है आर्मी का, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए जिसको बोलते हैं, ये कहां पर है, ये है देहरादून के अंदर में। तो आईएमए जो है ये कहां पर लोकेटेड है, ये है देहरादून के अंदर लोकेटेड, एंड यस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटर है ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आर्मी का, नाम से जाहिर हो रहा है कि मिलिट्री की अकेडमी है ठीक है। तो ये कहां पर लोकेटेड है, देहरादून के अंदर। ओके आगे देखते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, अभी देखिए अभी तक इंडियन मिलिट्री एकेडमी देख रहे हैं, तो अभी देखेंगे हम इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी राष्ट्रीय यानी आरआईएमसी, ये कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है, ये भी देहरादून में ही लोकेटेड है। तो बात ध्यान रखिएगा, आईएमए भी कहां पर है, देहरादून में, और आरआईएमसी भी कहां पर है, देहरादून के अंदर ही। अगला क्वेश्चन है आर्मी कैडेट कॉलेज, तो एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज कहां पर है, ये भी देहरादून के अंदर है। तो देखिए देहरादून में आपको काफी सारे इंस्टीट्यूशंस मिल रहे हैं, यहां पर कुछ ना कुछ रीजन है कि भी देहरादून में कुछ ना कुछ ऐसा फैसिलिटी होगा जिसकी वजह से ये काफी सारे इंस्टीट्यूशंस
देहरादून के अंदर बनाए गए हैं ये आर्मी के। ओके तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए आर्मी कैडेट, ओके कॉलेज ये नाम। आगे चलते हैं, वेर इज द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर। देखिए जंगल वॉरफेयर का जो स्कूल है वो कहां पर है, ये है वेरनगेटे मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर ये स्कूल है, जंगल वॉरफेयर यहाँ पर सिखाया जाता है। इंसर्जेंट जो लोग होते हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई करने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग होता है। ओके तो ये कहां पर है, वेरनगेटे मिजोरम के अंदर ये लोकेटेड है। एंड टूडेज लास्ट क्वेश्चन इज वांगचुक लो जोंग मिलिट्री स्कूल। तो देखिए अजीब सा नाम है, आपको अजीब सा नाम दिखा होगा, पहली बार ये नाम सुना होगा आपने। तो ये किसको ट्रेनिंग देता है, किसके आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है, भूटान के आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है। ओके ये भूटान की जो आर्मी के ऑफिसर्स है उनको ये ट्रेनिंग देता है, वांगचुक लो जोंग मिलिट्री स्कूल। ठीक है, इसे नाम ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए हम इसका लोकेशन देखते हैं अभी कि हमारा जो वांगचुक लो जोंग मिलिट्री जो ये कहां पर लोकेटेड है। देखिए इसको बनाया गया था 1962 में, पहली बात तो कब बनाया गया था अभी इसको, 1962 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में बिल्कुल 22 ऑफिसर्स की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी। ओके तो आप ये ध्यान रखिएगा कितने लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी, 22 की। तो ये हमारा आज का पार्ट है, पार्ट टू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिफेंस टॉपिक। ओके सो आपको ये ध्यान से पढ़ने हैं, इनके बारे में अच्छे से जानना है कि क्या ये इनमें से नाम जो है वो याद करने हैं प्रॉपरली, कमांड्स को याद करना है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।